और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे फॉर द क्वाड, बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू द यूएन जनरल असेंबली। द पॉइंट इज के अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जा रहे अमेरिका, इट सीम्स सो फार, जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। ये जो स्टैंडिंग है इंडिया की व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग अगेंस्ट चाइना, और जितनी ग्लोबल सपोर्ट उनको मिल सकती है, नोबडी कैन इवन इमेजिन इन कमिंग डेज एंड टाइम। और कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दे ही डाली है, बस ये धमकी किस हद तक खतरनाक हो सकती है? एक बात जो वहां पे की गई कि नॉन नेटो इत्तेहादी जो है उससे पाकिस्तान को निकालने की बात भी वहां पे की गई। बात को समझिए, ये जो जो बाइडन का फोन नहीं आ रहा है ये इसलिए नहीं आ रहा है कि ये आगे की प्लानिंग है। कल को अगर कोई अमेरिका सख्त कदम उठाता है तो वो उस वक्त ही कोई कह ना सके कि अलाई वलाई था, क्योंकि अलाई तो रहे नहीं है वो। और वो जिस वजीर आजम इमरान खान को एक जमाने में तालिबान खान कहा जाता था, गलत नहीं कहा जाता था, आज वो साबित हो गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और पाकिस्तानी मीडिया अभी त्राहिमाम कर रहा है, यानी पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उल्टे सीधे इंटरव्यू देकर के ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के रिलेशनशिप को एक नया आयाम, एक नई ऊंचाई दी है। और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बाइडेन साहब ने खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को फोन करके अमेरिका आने की दावत दी, और वहाँ पे न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्वाड के कंट्री से मिलेंगे बल्कि यूएन जनरल असेंबली में वो अपनी बात भी रखेंगे और दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो हेड हैं उनसे मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को किसी ने पूछा नहीं तक, तो वहीं पे इन सबसे खीज होकर के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि और अंधेरे की तरफ गिरता चला जा रहा है, और एक तरह से एक पे एक बयान देकर के तालिबान के ऊपर जो उसका वकील बनने की कोशिश में लगा हुआ है, तो जिससे एक बात प्योर साबित होती है कि जो इमरान खान को पहले तालिबान खान कहा जाता था वो सच में ही तालिबान खान है। उन्होंने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया है इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने कहा कि कॉल नहीं आई है। अमेरिका नाराज नहीं है, अमेरिका नाराज नहीं है। ये बात को समझिए, ये जो जो बाइडेन का फोन नहीं आ रहा है ये इसलिए नहीं आ रहा है कि ये आगे की प्लानिंग है। कल को अगर कोई अमेरिका सख्त कदम उठाता है तो उसके पास एक जवाज होगा, क्योंकि जब भी अमेरिका ने सख्त कदम उठाने की माजी में कोशिश की तो उसको वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट एलाई ऑफ अमेरिका, राइट। लेकिन अब वो चाहते हैं कि जब भी कोई सख्त कार्रवाई की जाए या करने का मौका आए, जब भी, तो वो उस वक्त ही कोई कह ना सके कि अलाई वलाई था, क्योंकि अलाई तो रहे नहीं है वो। इसीलिए आप देखें कि उन्होंने कतर से मदद मांग ली अपने लोगों को इवैक्यूएट कराने में, एक्सट्रैक्ट कराने में, उनकी एयरलाइन को यूज़ कर लिया, पीआईए को यूज़ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पीआईए को यूज़ करने का मकसद होता है कि अपने ऊपर एक एहसान लेना, और वही एलाई वाला एलाई की आड़ में जो है ना फिर हम छुरा घोपते हैं उनकी, जिस तरह हमेशा धोखा दिया। सो इसीलिए अमेरिका नाराज नहीं है, अमेरिका प्लानिंग कर रहा है। आपने देखा कि हिंदुस्तान भी खामोश है, इंडिया क्यों खामोश है? इंडिया इसलिए खामोश है कि अभी वक्त नहीं आया है। इंडिया का कोई नुकसान ही नहीं हुआ ना, तो इंडिया क्यों अभी एक पराए फड्डे में टांग अड़ाए? लेकिन जब वक्त आएगा तो तमाम इत्तेहादी जो रियल एलाइज होंगे, जिसमें अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो और ईरान, ये सब मिलकर उस खत्ते में सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, और ये जो हेजेमनी है इसको ख़त्म करने की भी जो है कार्रवाई शुरू होगी। तो अभी हमने फॉरन चेंज की है तालिबान के लिए, तो आप मुझे बताएं कि जब आप तालिबान के लिए बयानात दे रहे होंगे तो दुनिया का कौन सा मुल्क है जो आपके साथ अलाइन होना पसंद करेगा इस मौके पर? आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी सोच समझ के, मतलब एक सेक्रेटरी लेवल के जो काम हैं वो अगर वजीर खारजा कर रहा है, तो फिर जो दीगर ममालिक के जो डिप्लोमेट्स और वजीर खारजा हैं वो सोचेंगे कि हमें इस बंदे के साथ अपनी तस्वीर खिंचवानी भी चाहिए कि नहीं खिंचवानी चाहिए, क्योंकि ये तो तालिबान का वजीर खारजा लग रहा है हमें, उनके इसमें इसने सिर्फ सूट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है और अंग्रेजी बोल रहा है, हालांकि अब तो तालिबान भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन ये कि ये बंदा तो तालिबान का लग रहा है। और वो जिस वजीर आजम इमरान खान को एक जमाने में तालिबान खान कहा जाता था, गलत नहीं कहा जाता था, आज वो साबित हो गया। इस वक्त जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली वाली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और ग्लोबल स्टेज में, और वो डेवलपमेंट ये है कि क्वाड ममालिक जो है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, इनकी इन पर्सन समिट हो रही है।
और ये व्हाइट हाउस में जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन है वो इसको होस्ट कर रहे हैं। खैर ये तो एक कोई नई चीज नहीं है कि पहले मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये एक इन पर्सन जो फर्स्ट इन पर्सन समिट है ये वॉशिंगटन में हो रही है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जा रहे हैं अमेरिका। और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो सिर्फ अमेरिका नहीं जा रहे फॉर द क्वाड, बट ही इज ऑल्सो गोइंग टू द यूएन जनरल असेंबली। द पॉइंट इज के अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं जा रहे अमेरिका, इट सीम्स सो फार, जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इंडिया इज बीइंग टेकन एज अ वेरी बिग मार्केट, पूरी दुनिया जो है दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया फॉर बिजनेसेस, फॉर ट्रेड, फॉर एवरीथिंग। इवन के आईफोन जो है वो भी अब इंडिया में ही बन रहे हैं अदर देन द चाइनीज एंड द अदर प्लेसेस। लेकिन इन रियलिटी द चैलेंज व्हिच इट सीम्स टू मी व्हिच इज वेरी सीरियस चैलेंजेस कि देयर इज नो चांस के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड प्रेसिडेंट बाइडेन की मीटिंग हो। That is the point, I think, if it seems me so far. Otherwise, अगर Prime Minister Imran Khan और Joe Biden की meeting plan होती तो अब तक media में शोर मच चुका होना था और ये बात होनी थी कि देखें जनाब Prime Minister Imran Khan जा रहे हैं और Joe Biden साहब से मुलाकात होगी और खित्ते की सूरत हाल पे बात होगी। तो इमरान खान साहब जो है ये अंडरस्टैंड कि मैं क्यों जाऊँ वहां पे और जाके जब मेरी बाइडन से मुलाकात ही नहीं हो रही, तो इट कुड बी अ फॉरन पॉलिसी ब्लेंडर फॉर इमरान खान। ये इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है, बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है कि ही वुड बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वुड बी विजिटिंग यूएसए एंड नॉट मीटिंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो वहां पर मुलाकातें कर रहे होंगे, बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल बी होस्टेड in White House on 24 September. So ये जो चीज है obviously this is something which is very annoying for Pakistan. ये जो standing है इंडिया की when it comes to standing against China और जितनी global support उनको मिल सकती है nobody can even imagine in coming days and time. और Secretary Blinken तो on board and he said it very clearly that the Quad countries should look after the interests of India. देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दही डाली है बस, ये धमकी किस हद तक खतरनाक हो सकती है इसकी वजह ये है जो कांग्रेस में बातें हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ तालुकात को रिकंसिडर किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या करना है। काफी खतरनाक गुफ्तगू वहां पर कई सेनेटर्स ने की, तो जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है वो गॉड फॉरबिड एक इस किस्म की सिचुएशन, हम बिल्कुल नहीं वो कहना चाहते कि कुछ तरह की कोई बात, लेकिन जिस जो वहां पर गुफ्तगू हुई है वो कहां तक पहुंचेगी और अब जब वो आएंगे तो वो क्या कहेंगे। डू मोर जो है मेरा ख्याल है कि अब बहुत पीछे जा चुका है, डू मोर अब हमें कोई नहीं कहेगा, किसी में इतनी हमें जरूरत नहीं है कि वो हमें डू मोर कहे, बल्कि अब ये कहा जाएगा कि ये है और ये आपने करना है, इसमें ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर नहीं करेंगे तो देखिए एक बात जो वहां पे की गई कि नॉन नेटो इत्तेहादी जो है उससे पाकिस्तान को निकालने की बात भी वहां पे की गई है, यानी ये कि पाकिस्तान की वहां पर जो असलहा है जो वेपन्स है उस तक रसाई जो होती है पाकिस्तान की वो नहीं रहेगी।